वाराणसी में रविवार की सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। बताया जा रहा है कि 1550 फीट की ऊंचाई पर उनके चॉपर से पक्षी टकरा गया था। हालांकि पायलट की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। पायलट ने बर्ड हिट के बाद हेलीकॉप्टर को एहतियातन पुलिस लाइन ग्राउंड में वापस लैंड करा दिया। इस वजह से सीएम योगी आदित्यनाथ को पुलिस लाइन ग्राउंड से वापस सर्किट हाउस लौटना पड़ा। इसके बाद सीएम सड़क मार्ग से सर्किट हाउस से लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। 11 बजे वह स्टेट ट्रेन से लखनऊ रवाना हो गए। सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह 9 बजे लखनऊ जाने के लिए सर्किट हाउस से पुलिस लाइन ग्राउंड के लिए रवाना हुए। कुछ देर बाद उनके हेलीकॉप्टर ने यहां से उड़ान भरी। डीएम कौशलराज शर्मा ने बताया कि करीब 10 मिनट के बाद ही चॉपर वापस पुलिस ग्राउंड पर लैंड हुआ। इससे पुलिस और प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया था। सीएम नीचे उतरे तो पता लगा कि पिसौर पुल के समीप 1550 फीट की ऊंचाई पर आसमान में एक पक्षी हेलीकॉप्टर से टकरा गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार की शाम 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी आए थे। जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा प्रस्तावित है। सीएम ने पीएम के दौरे के दौरान लोकार्पण और शिलान्यास होने वाली परियोजनाओं के बारे में जानकारी ली और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।